कभी बुलंदियों को छूकर वापस लौटे सहारा के मालिक सुब्रत रॉय इस दुनिया में अब नहीं रहे। मंगलवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके दुनिया जहां से जाने के बाद जहां राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक में शोक की लहर है, तो सहारा में जिन लोगों के पैसे फंसे हैं उन्हें इस बात का दुख है कि उन्हें उनका पैसा मिलेगा या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कभी रेलवे के बराबर लोगों को रोजगार देने वाले सहारा के मालिक की सोनिया गांधी से दुश्मनी के कारण कांग्रेस सरकार से उनका रिश्ता खराब हुआ और वहीं से बर्बादी की शुरुआत हुई। सुब्रत रॉय धीरे धीरे बर्बाद होते चले गए। रॉय के निधन के समय जो शख्स मौजूद था उसने रोते हुए अपनी बातें बताई। उसने कहा कि अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल कुछ ऐसा भी होगा। तबीयत थोड़ी बिगड़ी परसों, हाँ तो आए, पर वही हमको तो वही लगता था कि चलो थोड़ा स्टेबल होके जाएंगे, बट अचानक आई डोंट नो व्हाट टू से। हमारे लिए तो बहुत करीब से हम उनको जानते हैं और मैं बोल कह सकता हूँ कि इतना बड़ा देशभक्त, इतना पैशन कंट्री के लिए और हर पर्सन जो उनसे जुड़ता था, उनके साथ उनका एक जो पर्सनल रैपो होता था, जिस तरह वो एक एक का ख्याल रखते थे पर्सनली, वो ऐसे ही नहीं सहारा परिवार कहते हैं हम लोग। हम उस संस्था में 6-6 साल टॉप लेवल पे काम कर चुके हैं और आपको बता सकते हैं कि जब वो अपनी संस्था को एक परिवार कहते थे तो सच में एक परिवार की तरह चलाते थे। आज का जो दिन है ये बहुत दुखद दिन है, क्योंकि भारतीय उद्योग जगत में जिस तरह से उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर, बहुत निष्ठा के बल पर, नीचे से, बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी गोरखपुर से, और इतने हाइट पर वो गए, मैं कहूंगा कि हाईली स्पिरिचुअल पर्सन थे वो, बहुत अधिक आध्यात्मिक थे, बहुत अधिक राष्ट्रवादी थे। ये बात अलग है कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है, और मैं उन चुनिंदा भाग्यशालियों में से हूं ट्विटर पे जिसको वो फॉलो करते थे। ट्विटर पे वैसे तो उनके एक्स अब नाम है कंपनी का, हजारों फॉलोअर्स उनके ट्विटर पे थे, लेकिन वो जिन 317 लोगों को फॉलो करते थे उनमें मैं भी एक हूं, और मेरा नाम चेतन उपाध्याय है, मैं बनारस में रहता हूं, सत्या फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता हूं। जब वो तिहाड़ जेल में थे तब भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था, और मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो उनका निधन है बहुत अप्रत्याशित है, और मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मतलब जैसे मुझे लगता है कि मैंने अपना अभिभावक खो दिया है, मैंने अपना गार्जियन खो दिया है। हालांकि बता दें कि सहारा में जिन भी लोगों का पैसा फंसा है उन्हें फिलहाल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही इस बात पर जोर देने की जरूरत है कि उनका पैसा अब रिफंड मिलेगा या फिर नहीं। बता दें कि सहारा में जमा लोगों का पैसा अब सरकार के पास सुरक्षित है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक पोर्टल सहारा रिफंड भी लॉन्च किया गया था, जिसके जरिए आवेदन और फिर अपने डॉक्यूमेंट के जरिए पैसे की वापसी की प्रक्रिया होगी। सुब्रत रॉय मीडिया फील्ड से लेकर क्रिकेट, बॉलीवुड समेत कई बिजनेस में अपना हाथ आजमा चुके थे और उस वक्त उनका कीर्तिमान भी भारत में स्थापित हो चुका था। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदमी कब अर्श से फर्श पर आ जाए उसे कुछ नहीं पता होता, कुछ ऐसा ही सुब्रत रॉय के साथ हुआ था। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी के अहम और ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।